सो हे गाइस, अगर आप भी फोटो एडिटिंग करते हैं और आपकी भी फोटो फट जाती है तो आपको प्रेशर हो जाता है ना कि यार मैंने इतनी मेहनत करके फोटो बनाई वो भी फट गई, अब मैं फोटो एडिटिंग नहीं करूं। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है? अगर यस तो इस वीडियो को, जो पूरी वीडियो को देखना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटो को एडिट करके उसको क्वालिटी में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो मोबाइल को रोटेट कर लेना है एंड यहाँ से मैं इस फोटो को दिखा देता हूँ। देख सकते हो कि इसे मैं लाइटरूम एप्लीकेशन से एडिट किया हूँ एंड ये फोटो जो है फट गई है। ठीक है, तो इसको हम क्वालिटी में इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर आ जानी है एंड प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद यहाँ से ऐप का जो नाम सर्च मारना है, रिमिनियम फोटो एडिटर। ठीक है, एंड इसलिए ऐप का जो सर्च मारने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका लोगो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है। सो ये हो जाने के बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस टाइप से ब्लर एंड इस साइड का इंक्रीज हुआ है, तो स्किप कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ से क्या करना है, हमें जो इनहेंस दिख रहा होगा उसे जो हम एक बार टैप करेंगे एंड यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास जो इंटरफेस में दिख रहा होगा एंड ब्लर एंड आप बफर एंड आफ्टर देख सकते हो, ब्लर एंड इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पास यूज इट पे करने के बाद हम अपने एक फोटो को जो ऐड कर लिए हैं, जिस फोटो को हम क्वालिटी में इंक्रीज करेंगे, तो साइड में क्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो उसे हम टैप नहीं करेंगे, हम डन पे करते हैं एंड कुछ सेकंड जो वेट कर लेनी है एंड यहाँ पास वेट करने के बाद कुछ सेकंड की ऐड भी दिखाएगा, तो ऐड को जो पूरा देखना पड़ेगा। सो यहाँ पास आप देख सकते हैं ऐड दिखा रही है, तो इसके लिए ऐड स्किप हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, एंड इसे मैं जूम कर देता हूँ एंड वीडियो की क्वालिटी को जो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा जिससे कि आपको HD में दिखेगी। तो ये बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कुछ इस टाइप से एंड मैं स्लाइड कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। सो देख सकते हो आप, बिफोर में कुछ इस टाइप्स की थी एंड इसमें इस टाइप्स की हो गई है। ठीक है, एंड यहाँ पास जो आपको ऊपर की ओर में सेकेंड वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा, सो उसे मैं क्लिक करके मैं यहाँ से एक बार और जो इंक्रीज कर सकता हूँ क्वालिटी डन करके, तो इसे जो हम फिलहाल नहीं करेंगे एंड यहाँ से हम साइड में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उसे हम सेव कर लेंगे।